आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, दही शक्कर खाकर जाइए। मैं लाती हूँ। भाभी मैं लेकर आती हूँ। हाँ सौम्य, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। सॉरी मुझे जाना पड़ेगा। मुझे ही पहले याद ही रहा दही शक्कर खिलाना, देर कर दी मैंने। मम्मी खून, दिखाइए मम्मी कहाँ लगी है। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं बेटा, सिर्फ बहुत चोट लगी आप चलिए। अरे कुछ नहीं है, हल्का सा लगा है। भाभी प्लीज चुप हो जाइए, ये देखो आराम से बैठिए। हाय कितनी चोट मम्मी, लगी है। आराम से। भाभी देखिए आपको काफी लग चुकी है और खून भी बहुत गहरा है। अब आप कुछ नहीं कहेंगी और हम आपको डॉक्टर को दिखाएंगे। ओके लक्ष्मी पट्टी है। हाँ प्लीज लेके आओ, मैं एंटीसेप्टिक भी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी आओ। अरे नहीं कुछ ज्यादा नहीं लगी है, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मंगल कार्तिक सही कह रहा है, डॉक्टर को दिखा देने दो ना। वैसे भी देखो इतना सारा काम बिखरा पड़ा है, कौन करेगा, और ऐसे समय पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना बेटा। आराम से बहुत गहरी चोट लगी है। आदित्य भैया को इन्फॉर्म करें क्या? सॉरी यार देर हो गई मुझे, इसीलिए ना मुझे घर जाने से डर लगता है। फुल ड्रामा कर रखा था मंगल ने, उसका सिर्फ नाम ही मंगल है, काम सारे अमंगल। कम से कम फाइल मिल गई यार। मैं जल्दी से चेक कर लेती हूँ। हाँ, जस्ट चेक इट। देखिए चोट थोड़ी गहरी है, इसलिए इस पैर पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, आप एक दो दिन रेस्ट ले लीजिए प्लीज। सुना ना दीदी, पैर पर बिल्कुल जोर नहीं देना है। डॉक्टर साहब हमारी भाभी के लिए आप नींद की गोली लिख दीजिए ताकि वो आराम से सो सके। बिल्कुल सही, वना दीदी मानने वालों में से थोड़ी है। तुम दोनों ना बिल्कुल एक जैसे हो, कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो मेरी। ये दवाइयाँ ले लेना जी। अच्छा दीदी जीजू को फोन करूँ ना? नहीं नहीं वो बिजी है। अरे लेकिन इतना भी क्या बिजी? दीदी जीजू के जल्दबाजी के कारण ही आज आपको ये चोट लगी है, वो भी इतनी गहरी। अरे क्या हुआ सौम्या? गॉड सौम्या ये क्या कर लिया? आदित्य आई एम ओके। डॉक्टर के पास चलना है, कहीं सेप्टिक ना हो जाए। स्टेपलर के पिन है, स्टील के, कुछ नहीं होगा मुझे, डोंट वरी। ध्यान रखा करो, देखो खून निकल रहा है। जीजू को यहाँ आपके साथ होना चाहिए था ना? हर कार्तिक जी को आना पड़ गया। अरे इट्स ओके लक्ष्मी, भाभी को डॉक्टर को दिखाना भी तो जरूरी था ना। लक्ष्मी तू भी ना, क्यों इतनी शिकायत करती है? उनकी जरूरी मीटिंग थी, जल्दी में थे, हो जाता है। दीदी वो मेरी चिंता करते हैं पर जताते नहीं है, आदमी का स्वभाव ऐसा ही होता है। दर्द नहीं हो रहा ना? नहीं आई एम एब्सोल्युटली फाइन, कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी मैं ठीक हूँ। ठीक है फुल सौम्या। लाओ मैं करती हूँ। मैं करता हूँ। स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, खाने के साथ ही लीजिएगा, सारी मेडिसिन बाहर काउंटर से मिल जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब धन्यवाद। टेक रेस्ट प्लीज। ओके आराम से। आपको तो ज्यादा पेन है, आपको तो पेन किलर्स अभी ले लेनी चाहिए। एक मिनट रुकिए मैं दवाई लेकर आता हूँ। लेकिन दीदी खाली पेट तो नहीं ले सकती ना?
खुश हो, बैग देना। ये बैग है दीदी। अच्छा आप तो क्या दे दे? नहीं वो मैं बस कार्तिक जी को देख रही, मेरा मतलब वो जो डॉक्टर और वो बात कर रहे हैं वो सुनने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक भी बिल्कुल तेरी तरह है, डॉक्टर से एक एक बात पूछ कर ही चल लेंगे, पूरी जांच पड़ताल कर लेंगे। दीदी आपकी जब कोई चिंता करता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाभी आपकी दवाई। अरे लेकिन वो आई नो लक्ष्मी, हम भाभी को खाली पेट दवा नहीं दे सकते। मैं सोच रहा था कि तुमने भी खाना नहीं खाया और मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। पास में एक रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना मिलता है। और वो क्या होता है वो रेस्टोरेंट, वहां जाने की क्या जरूरत है, घर पर खाना बना हुआ है और अम्मा और मौसी जी भी हमारी राह देख रहे होंगे, उनको भी भूख लग रही होगी। चलो घर चलते हैं। वो क्या कहते उसे जिसे वो फ्राई करते हैं? कड़ची। कड़ची राइट लक्ष्मी। हाँ तो मैं कह रहा था कि जो खुद कड़ची है उन्हें आप कड़ची क्यों पकड़ा रही है? मतलब आई मीन जिन्होंने जिंदगी भर हमें खाना खिलाया है वो खुद भी तो खाना खा सकते हैं ना, राइट लक्ष्मी? हाँ लेकिन शिक्षक को क्या शिक्षा देंगे आप? वैसे ये सुनेंगे कहाँ हमारी? तुम लोग ना इतने बड़े बड़े डायलॉग मत मारो, अभी घर चलो। चलो लगता है ऊपर से ऑर्डर मंगवाना पड़ेगा वरना आप हम बच्चों की ऐसी हड़काई करती रहेंगी। किसको फोन कर रहे हो? हाँ मासी, हाँ डॉक्टर को दिखा दिया है और उन्होंने पट्टी लगा दी। अच्छा क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने दवाई दी और आराम करने के लिए कहा है, और भाभी को बहुत दर्द भी हो रहा है ना, तो मैं ये सोच रहा था कि उन्हें कुछ खिला देता हूँ ताकि वो दवाई खा सके। तो हम बाहर से खा के आ सकते हैं ना? ठीक है जैसा तुम लोगों को ठीक लगे करो। बता दिया, अब तो आपको चलना पड़ेगा। चलिए। क्या हुआ जी? कार्तिक ने कहा कि वो लोग खाना खा के आएंगे बाहर। अच्छा तो चलो गायत्री हम खाना खा ही लेते हैं। आ जाओ। ये कार्तिक ने फोन करके मुझे क्यों नहीं बताया? Cheers! हम ये नहीं पीते। क्यों? अब अरे अरे भाभी ये वो नहीं है जो आप समझ रही है, ये योगर्ट शॉट्स है, आई मीन ये दही है। आप बिना क्या कह रही है, आइए चीयर्स करते। Cheers! तो बताइए क्या खाएंगे आप लोग? लीजिए। दीदी आप ही बताइए। कार्तिक तुम ही देखो ना, मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता। अरे भाभी आप ही ऑर्डर करिए, जो आपको पसंद है आज हम वो ही खाएंगे। नहीं मैं क्या, मुझे नहीं पता, सच में हमेशा आदित्य जी ही ऑर्डर करते हैं। तो आज आप अपनी पसंद बताइए, आप करेंगे ऑर्डर जैसे आप घर में बताती हैं कि आज क्या बनेगा, ठीक वैसे। अरे वो तो रोज अम्मा बताती है कि क्या बनेगा, मेरा काम आसान हो जाता है। तो आप रोज दूसरों की पसंद का बनाती है और खाती भी है। आज आप ही की पसंद का खाना ऑर्डर होगा, बताइए आप क्या खाएंगी, छोले कुलचे, पनीर के नान या दही के कबाब? बोलिए। आह
भाई जिसको जितना लगता है खुद से परोस लो। मंगल की तरह हम किसी को परोसने वाले नहीं है। थक गए जीजी। हाँ गायत्री, वो क्या है ना कि सब कुछ मंगल ही क्या करती है ना, तो अब काम करने की आदत नहीं रही है। गायत्री, अगर मंगल ने खाना नहीं बनाया होता ना, तो आज खाने में खिचड़ी ही मिलती। वाओ, मेरे फेवरेट नगेट्स। और मेरा फेवरेट पनीर। वाह, क्या खुशबू है जीजी। वैसे मंगल के बना हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हाँ वो तो है, जैसा जैसा हमने उसे बनाना सिखाया वो बनाने लगी है। कुसुम, मंगल पहले भी खाना बनाती ही थी। हाँ बनाती थी, लेकिन ताजे मसाले पीसकर हमने उसे बनाना सिखाया। और वैसे भी हर घर के एक तौर तरीके होते हैं जो सास ही अपनी बहू को सिखाती है। भाई वो दिन फाकता हो गए जब बहुएं सास के अनुभव का कद्र किया करती थी, लेकिन हम मंगल से बहुत खुश हैं। वो हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। क्यों ना रखे, तुम मुंह फुला कर जो बैठ जाओगी। आपको तो हम डायन ही लगती है ना, कुछ भी बोलते रहते हैं बच्चों के सामने। लक्ष्मी बताओ ना, क्या ऑर्डर करना है, इंडियन या चाइनीज? चाइनीज। अब दीदी आप भी आपकी पसंद का बताइए ना प्लीज। वो मैं सोच रही थी कटहल बिरयानी। हाँ परफेक्ट। दीदी आपको तो कितना पसंद है कटहल। भाभी जी कटहल काट दो, बहुत ताजा कटहल है। नहीं भैया मेरे घर में कोई खाता नहीं है, बस मुझे ही पसंद है। लक्ष्मी, आई नो यार, मेरी वजह से बेकार में ही तुम्हारा नाम आ गया उस दिन इस वीडियो में। आई एम सॉरी, क्या करूं मैं, दिन रात मेरे साथ तो यही होता रहता है, हर कोई मेरी फोटोज ही लेता रहता है, मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं इसके ऊपर। वैसे उनकी गलती भी नहीं है, वो मेरे फैंस हैं, उनका इतना हक तो बनता है मेरे ऊपर। तुम टेंशन मत लो, आज हम नॉर्मली बात कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं, सो डोंट वरी। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को अगर फोटो चाहिए तो आप प्लीज मुझे बोलिए, यहाँ मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। मैं आपको साइड में जाके फोटो देता हूँ, चलेगा? आइए। कार्तिक बहुत ही प्यारे हैं, है ना? कितने आराम से हर स्थिति संभाल लेते हैं, हमको भी परेशान नहीं करना चाहते पर अपने फैंस का भी ख्याल रख रहे हैं। गायत्री क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही हो? अब जीजी वो कार्तिक का अब तक फोन नहीं आया ना, पता नहीं उसने खाना खाया भी होगा या नहीं। अरे भाई अब कार्तिक बड़ा हो गया है, शादी की उम्र हो गई है, तुम उसकी फिक्र करना छोड़ दो, तुम तो उसकी फिक्र करने वाली को लेकर आओ। और हाँ एक बात है गायत्री, एक बार शादी हो गई तो कार्तिक तो हाथ से गया। नहीं मतलब बीवी के मर्जी के मुताबिक ही वो खाएगा पिएगा घूमेगा, अपनी सोच लो गायत्री। बेटा तब तक ही माँ का होता है जब तक उसकी बीवी ना आ जाए, है ना? गायत्री सब ठीक है ना?
छोटी दादी की साड़ी तो खराब हो गई। I'm sorry, मैं ये क्लीन करके आती हूँ। अब गायत्री कितना बोलते हो आप? अरे मैं तो साली जी से मजाक कर रहा था। किसी को आपका मजाक अच्छा नहीं लगता, मत कीजिए मजाक। गायत्री सुनो, दीदी एक मिनट। आदि ये तो वही लड़की है ना दुपट्टे वाली जो कार्तिक के साथ ट्रेन पे थी? हाँ मुझे भी लगा था पहले, इनका सच में कोई चक्कर है क्या? कार्तिक निगम इस बहन जी को पसंद करता है। कपड़े तो देखो, कहाँ कार्तिक, शी सो हॉट, और कहाँ ये झल्ली। दीदी क्या सोच रही है, कुछ दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं ठीक है, हो गई बात। अरे अब तक खाना नहीं आया? वहां घर पे कुसुम मौसी ने सबको खाना खिला दिया होगा और हम यहाँ भूख से तड़प रहे हैं। क्या हुआ गायत्री, क्या हुआ गायत्री, डर गई तू, डर गई तू? तू मेरा बेटा छीन कर गई थी ना, अब देखना तेरा बेटा तुझसे कैसे छूटेगा। तड़पेगी तू उसके लिए अकेली, उसके लिए अकेली, अकेली तड़पेगी, अकेली तड़पेगी। भुगतना होगा तुझे, भुगतना होगा तुझे, भुगतना होगा तुझे मेरी तरह, मेरी तरह। ये श्राप है, ये श्राप है, एक माँ का श्राप, एक माँ का श्राप, माँ का श्राप है, एक माँ का श्राप है, एक माँ का श्राप। गायत्री, गायत्री गहरी सांस लो। गायत्री क्या हुआ? शांत हो जा, गहरी सांस लो गायत्री, सांस लो, सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। देखो गायत्री, इन्होंने बस ऐसे ही मजाक में कह दिया था, भूल जाओ। इनको कहां पता चलता है कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं, इनकी बातों को भूल जाओ गायत्री, सब ठीक हो जाएगा। जी 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 जी, बहुत डर लग रहा है जी जी, कहीं कहीं एक माँ का श्राप सच हो गया तो। जी जी कुछ बोलिए ना जी जी, सच में कोई लड़की आके मेरे कार्तिक को मुझसे दूर ना कर दे जी जी। थैंक्स सौम्या, तुम्हारी वजह से आज प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। लेट्स सेलिब्रेट। हम हमेशा यहीं सेलिब्रेट करने आते हैं, इट्स आवर फेवरेट एंड स्पेशल प्लेस। कम। ये क्या? कटहल? ये चाइनीज है। सरप्राइज। कटहल क्यों बनाया? मुझे नहीं पसंद। अगर अदित को नहीं पसंद तो क्यों बनाया? लक्ष्मी, लगता है भाभी को कटहल पसंद नहीं है, तुमने गलत बता दिया। अरे नहीं, शादी के बाद पहली बार खाऊंगी। भी जरूर खाना तुम।
मुझे तो इतना पसंद है कि रोज खाऊं। ये क्या?